दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, उस तरह से दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। फिलहाल इसी जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं तलवार जी के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या क्या मुद्दा है और किन किन मुद्दों के साथ इस क्षेत्र में विकास को लेकर आएंगे और अगर जनता इनको चुनती है तो कैसे ये क्षेत्र का विकास करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या क्या मुद्दा है मैम जो आपको लगता है कि नहीं आपके आने के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? हमारा रजौरी गार्डन और टैगोर गार्डन जो वार्ड नंबर 96 अब हो गया है वो बहुत अच्छा एरिया है, बहुत मेंटेनेंस की हुई है हमारे पार्षद, क्योंकि पिछले 40 सालों से हमारे ही पार्षद हैं और मैं भी 2007 से 12 तक मैंने यहाँ पर काम किया है और लोगों के दिलों में जगह सिर्फ अपने काम से बनाई है। आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिल रहा है और पूरा मान सम्मान और प्यार लोगों का मिल रहा है। इतना प्यार मान सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी रही जो हमारे नए 13 बूथ जुड़े हैं उसमें काम करने का कोई मतलब जितना मर्जी काम कर लो उतना काम है जी। इतना काम करने वाला है, जैसे टीसी कैंप हो गया, ईएफ ब्लॉक हो गया, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी हो गई, वहाँ पर इतना काम है कि आप अगर पूरे 5 साल लगाओगे तब जाके उस एरिए का 50% सुधार होगा। इस हमारे एरिया में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक पार्किंग की कमी है। पार्किंग की नेचुरल सी बात है पूरी दिल्ली में प्रॉब्लम है, जहाँ भी चले जाओ आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। इसलिए हम पार्किंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारी सड़कें गलियां सफाई बहुत अच्छी व्यवस्था है, कुछ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने बसें फ्री कर रखी है, क्या लगता है कुछ होने वाला है, कुछ करे एक बार मौका दिया नहीं? बसें फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बट जो महिला 80,000 रुपया तनख्वाह ले रही है और वो अगर कहे कि मैं फ्री बस में जा रही हूँ तो है ही नहीं, उन्होंने अपने पास बनवाए हुए हैं, वो कहते हैं हमें फ्री नहीं चाहिए। कई महिलाओं से मेरी बात हुई, कहते हैं वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी तनख्वाह ले रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है फ्री में जाने की। तो फ्री फ्री करके हमारी यंग जनरेशन जो घर में बैठ रही है वो गलत है। यंग जनरेशन को तो सिखाना चाहिए कि आप कमा कर खाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। केजरीवाल जी फ्री फ्री करके कुछ नहीं करना चाहते, या तो केजरीवाल के पास अपना कुछ पैसा है, अपना घर की जायदाद है, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं दे दूँगा उसको, तो वो सब तब समझ में आती है। जो भी फ्री सबको मिलता है वो हमारे ही पॉकेट में से इनकम टैक्स के रूप में निकलता है, चाहे कहीं भी हो। डेवलपमेंट आप करो ना, उसी पैसे से आप डेवलपमेंट करो, उसी पैसे से आप रोज़गार बढ़ाओ, उसी पैसे से आप महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं के लिए ऐसे कामगार निकालो कि वो कमा के सीखे कि हाँ हमने अपना घर पालना है, बच्चों को ऐसे ही सिखाओ। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बोल दिया मैं वाईफाई फ्री दूंगा, आज तक तो वाईफाई फ्री नहीं है, कहाँ पे 8 साल हो गए उनको, कहाँ पे है वाईफाई, एक भी जगह आप दिखा दो कि उसने वाईफाई फ्री किया हो। जी जी, कूड़े का ढेर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो कूड़े का ढेर हटेगा, क्या लगता है? ये तो इन्होंने बेफालतू का मुद्दा बना रखा है। हमने पिछले टाइम में 15 मीटर से ज़्यादा कूड़े का पहाड़ को कम किया है और आगे उसको और 2024 तक हम बिल्कुल ख़त्म करने की सोच रहे हैं। क्या मूड बना रखे इस बार आप लोगों ने? हमारा मूड एक ही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैम क्या संदेश रहेगा आपके वार्ड की जनता को? 4 तारीख का वोटिंग है, 7 तारीख का। मेरे वार्ड की जनता को यही संदेश है कि आपने अपने वार्ड को चमकाना है तो मुझे एक बार दोबारा सेवा करने का मौका दें। सेवा ही मेरा अपना प्रचार है, सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं 5 साल तक ये एक वोट के बदले में इनकी 5 साल तक सेवा करूंगी, इनके दुख सुख की साथी बनूंगी। ये थे हमारी शशि तलवार जी जिन्होंने अपने विकास की बात की और जनता से एक वोट के बदले 5 साल तक काम करने की बात की और साथ ही केजरीवाल की सरकार का जो शराब घोटाले या फिर कूड़े की जो बातें थी या बसें फ्री की, उन्होंने साफ जाहिर किया कि जनता को मेहनत करके सारी चीज़ों को करनी चाहिए, ना कि फ्री की चीज़ों को। लगातार बने हुए हैं शशि तलवार जी के एरिया में भारतीय जनता पार्टी के, अभी उनसे बात हुई, उन्होंने किस तरह से बताया, पूर्व हमारे निगम पार्षद भी रह चुके हैं, उनके समय में काम भी अच्छे हुआ है लेकिन अभी भी उनको फिर से दोबारा मौका मिला है। जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। 4 तारीख की वोटिंग है, 4 तारीख को किसका बटन दबाएंगे और किसकी सरकार को लाना चाहेंगे, आखिर वो कौन सा सरकार है जो इनके क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और इनको कहीं ना कहीं इनकी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार तनवर। अनवीर जी, केजरीवाल कहता है कि एक बार 5 मौका दिया जाए हम एमसीडी को चमका देंगे पूरे का डेढ़। हमने उन्हें यहाँ पे मौका दे तो रखा है, अब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए, क्या किया ये बताओ ना। बिजली पानी फ्री क्या फ्री दे दिया, आज की डेट में सबके बिल आ रहे हैं,
किसके बिल नहीं आ रहे मुझे बताओ आज की डेट में। स्मार्ट स्कूल बोला हमने बनाया है। कोई स्मार्ट स्कूल ना तो बना है, आप जाके स्कूलों में जाके देखो तो सही कौन सा स्मार्ट स्कूल बना है। जी केजरीवाल करे सरकार हमारी, पार्षद हमारा होगा तो बहुत ज्यादा काम होगा, क्या लगता है? वैसे हमें तो जो केजरीवाल का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण है जो केजरीवाल के यहाँ से MLA हैं उनके घर अगर चले जाओ तो एक मिनट में अगर आपने कहा मेरा वो नहीं हुआ कहते चल निकाल साले को बाहर, ये भाषा इनके MLO की। और दूसरा MLA कभी आज तक हमें नज़र नहीं आया, और जो हमारे क्षेत्र में बड़ा पीसफुल एरिया था इन्होंने उसको ख़राब करने की कोशिश की है। जगह जगह इन्होंने दारू के ठेके खुलवा दिए। हमने वहाँ इस बंद करने से पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो हमारे टैगोर में ठेका खुला था कि हम इसे बंद कराएंगे। पूरी बड़ी संख्या में लेडीज़ हम सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आई, CBI के साथ क्या हुआ, वो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद ठेका बंद हो गया। अगर स्कूल के साथ मंदिर के साथ ठेके खुलेंगे, वहाँ 4 स्कूल हैं जो हमारे क्षेत्र का स्कूल है जिसमें हमारा हम पढ़े, हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़े, उनको अगर आप रिपेयर करा रहे हो तो उसका कौन नए स्मार्ट स्कूल खुल गए तो हमारी जानकारी से भारत हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। अगर फ्री दिल्ली में बांट कर और दिल्ली की परियोजना को लटकाते चले जाएंगे, दिल्ली का काम नहीं होंगे। जो पैसा फ्री MIDTC बस में एक दिन में बैठ गया गलती से, 5 रुपए की टिकट थी, वो बस में जनवान पार से नजफगढ़ जा रही थी, उसमें टोटल वो कह रहा है मेरी शाम सुबह से लेकर शाम तक की कलेक्शन पूरे रूट पर 15 रुपये होती है, कितने हजारों रुपये का दिन का DTC को घाटा जा रहा है, कौन पूरा करेगा? ये हमारी समझ से बाहर है कि किस तरह का बंदा है ये। कूड़े का ढेर खत्म हो जाएगा अगर वो सरकार कहती है, हमारी सरकार लाओगे तो दिल्ली में सबसे बड़ा कूड़े का मुद्दा लग ले गया है, क्या लगता है भाई साहब? इतना कूड़ा दिल्ली से निकलता है वो कहीं तो जाएगा, ये बताओ कूड़े का ढेर क्या पंजाब में नहीं है? क्या कूड़े का ढेर राजस्थान में नहीं है? बताओ आप। जी तो फिर दिल्ली में भी, दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी दिल्ली छोटी सी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ की, वहाँ इतने एरिया में हमारे से बहुत कम लोग हैं, तो कूड़ा तो होगा मगर उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए आगे, ये प्लानिंग हम लोगों ने बना रखी है। और अभी कूड़े यार बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। आप देखिए 15 मीटर कूड़े का ढेर कम हुआ हमारा पहले से, तो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आगे और ज़्यादा हम तरीके से करेंगे और बिल्कूल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही काम होगा। कैसे वोट दबाएंगे सर? देखो वोट का तो हमारा अपना पर्सनल रहता ही है, पर जब भी मैं क्षेत्र में 40 सालों से हूँ लगभग, और मेरा वोट भी 41 साल से है क्योंकि मेरी 60+ उम्र हो गई है, तो यहाँ का तो जनता का मूड है जो ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों के ना बिजली के बिल फ्री होते हैं, ना पानी के बिल फ्री होते हैं, बड़े घर हैं, घरों में 200 यूनिट तो यूं ही घूम जाता है, तो इसलिए कुछ नहीं होता। जो फायदा रुकबीर नगर या पीछे जो झुग्गी बस्ती है उनको मिलता है, तो इनका टारगेट भी वो है, हम लोग इनका टारगेट नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वोट हमारा BJP ही हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि अगर अच्छा कोई उनका और कैंडिडेट भी आ जाता तो शायद 10% लोग चेंज होते, पर कैंडिडेट ही बड़े बेकार है। दादगिरी वाला 4 तारीख को वोट किसे देंगे? 4 तारीख को वोट हम BJP को ही देंगे।